एक व्यूअर ने कमेंट बॉक्स में पूछा है कि इज डीम्ड टू क्या है, तो आइए फ्रेंड्स उनकी कंफ्यूजन को खत्म करते हैं। डीम्ड टू का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमें कहना हो समझा जाता है या माना जाता है। यानी कई बार आप अपने लाइफ में इस तरह के सेंटेंसेस सुनते हैं या बोलते हैं, जैसे नेता लोगों को पब्लिक का सेवक माना जाता है या सेवक समझा जाता है, उसे मेरे मोहल्ले का सबसे अच्छा आदमी माना जाता है या समझा जाता है, बाजार के खाने को नुकसानदायक समझा जाता है या माना जाता है, उसे लकी मैन माना जाता है या समझा जाता है। तो फ्रेंड्स इस तरह के सेंटेंसेस जहां आप कहते हैं समझा जाता है या माना जाता है को बोलने के लिए आप इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करके अपने सेंटेंसेस को बोलेंगे। यानी सबसे पहले आप बोले सब्जेक्ट, उसके बाद आप सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इजारम लिखें। अगर आपके सेंटेंस प्रेजेंट में है तो, अगर आपके सेंटेंस पास्ट में है तो आप वाज वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद आप बोलेंगे डीम्ड टू, फिर आप लिखेंगे अदर वर्ड्स। कैसे, आइए इस बात को एग्जांपल्स में बेहतर तरीके से समझें। अगर आपको कहना हो उसे लकी मैन माना जाता है तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे ही इज डीम्ड टू बी अ लकी मैन, यानी उसे एक खुशकिस्मत इंसान माना जाता है या एक लकी इंसान माना जाता है। अगर आपको कहना हो गर्मी के मौसम को अच्छा मौसम होना माना जाता है तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे समर इज डीम्ड टू बी गुड सीजन, यानी गर्मी के मौसम को अच्छा मौसम माना जाता है, उसे मेरे एरिया में एक अच्छा आदमी माना जाता है या समझा जाता है। तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे ही इज डीम्ड टू बी अ गुड मैन इन माई एरिया, यानी उसे मेरे एरिया का एक अच्छा आदमी माना जाता है या समझा जाता है। अगर आपको कहना हो बाजारू खाने को अच्छा नहीं माना जाता है क्योंकि यह सेहत के लिए नुकसानदायक होता है तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे फास्ट फूड इज नॉट डीम्ड टू बी गुड बिकॉज इट इज हार्मफुल फॉर हेल्थ, यानी बाजारू खाने को अच्छा नहीं माना जाता है क्योंकि यह सेहत के लिए नुकसानदायक होता है। अगर आपको कहना हो नेता लोगों को जनता का सेवक माना जाता है तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे लीडर्स आर डीम्ड टू बी द सर्वेंट्स ऑफ पब्लिक, यानी नेता लोगों को जनता का सेवक माना जाता है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपने इस बात को शानदार तरीके से सीखा कि डीम्ड टू का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमें कहना हो समझा जाता है या माना जाता है। अगर वाकई आपने इस कंसेप्ट को शानदार तरीके से सीखा तो क्या इस टॉपिक पर कुछ सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिखेंगे? कुछ सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिखे ताकि मैं चेक करके बता सकूं कि आपने सही सीखा या गलत। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छे लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय।